जय श्री राम। हम आप सबकी बहन आरती घोसी आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी जनों का स्वागत है। आप सबके लाने बतावे की जरूरत नहीं है। देखो जो उड़ीसा में बालासोर में जो ट्रेन हादसा भाव है वो में कितने सारे लोग को परिवार लव समाप्त होगा है और कितने सारे लोग घायल हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी मतलब बातें हो गई जो कि अपन आम शब्दों में बोल नहीं सका। देखो तीन तीन ट्रेनों को एक्सीडेंट हो गो मामूली बात नहीं है। जब अपने पूरे देश से तहलगाव है पूरे देश हिलगाव है एक खबर से। वैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभी अपनी एक पहली अर्जी लगाई है। तो पहली अर्जी कौन सी लगाई है वो सब आप औरों के लाने बताते हैं ये वीडियो के माध्यम से। तो आप और वीडियो में बने रहे में और वीडियो के लाने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबको एक बात भी बता दें, लाइक करो चैनल के लाने जो ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो अभी चैनल के लाने जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अनुरोध हमारा जो है कि आप और वीडियो शेयर करो ताकि आपकी बहन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। देखो बहुत वीडियो बनावे की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत तूफान आ गया है। आप और हालत भी देख सकते हो और आवाज़ से भी आप अंदाज लगा सकते हो कैसे आप और हम का बता दें। आप और हमारी फैमिली हो हमारी दीदी भैया रहो और आप और उसे छुपावो नहीं भी नहीं चाहिए कि देखो अगर आप और उसे छुपा है तो फिर आप और हम पता कैसे चले हमारी दीदी भैया रहो पता कैसे चले। तो हम बता दें आप सबके लाने कि हम वीडियो बनाते तो वीडियो बनावे की वजह से बहुत सारे लोगों के लाने हो रही है परेशानी कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो आप और हमें दीदी हर बताइयो कि हम वीडियो बना रहे हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं कौन सी हम ऐसी गलती कर रहे हैं जो सामने वालों के लाने ख़राब लगे। आप और हमें प्लीज़ बता दियो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और आप और हमारी हालत भी मतलब बहुत ख़राब हो गई। हमें बोलवे की बस की नहीं बची है खाना पीना भी नहीं खबरा हुआ है। और आप सबको हमें बता दें हम मायके में आए हैं मतलब मायके में हमें आराध्या के पापा जी छोड़ गए हैं मतलब उनसे नहीं भाई बल लड़ाई वे तो हमारे बड़ हमें सपोर्ट में रहते हैं बड़ हमें समाव साथ देते हैं उन्हीं की वजह से आप और उसे हमारे इतने लगाव होगा हो कि हम एक दिन अभी वीडियो नहीं बनाते। आप पर पता है कि चार पाँच दिन से हमारी वीडियो भी नहीं बन पा रहे हैं। आप और पुराने वीडियो हम देखे मिले रहे हुए हैं चार पाँच दिन से कछू बहुत तूफान सो आ गया जैसे ट्रेन हादसा भाव वैसे हमारी ज़िंदगी में भी हादसा भाव। तो आप सबको पता है 2 जून को तो भयानक ट्रेन हादसा भाव तो जो कि शाम को 7 बजे मतलब इतने भयानक ट्रेन हादसा भाव तो कि दूसरे दिन हमारी ज़िंदगी में भयानक तूफान आ गया। तो कि वीडियो बनावे की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे खिलाफ हो गए हैं जो कि काका ने हमारे ऊपर सभी रिश्तेदारों में सभी आस पड़ोस वालों में ऐसा जहर घोल दिया है कि जो हमारी बेइज्जती हो जाए और हमारी मतलब हर तरफ से हमें गिराने की कोशिश करी जा रही है कौन की तरफ से वे। आप सबको हम देखो आप सबको पता है पहले हम ससुराल में वीडियो बनाते आप उन्हें देखी ही नहीं है हमारी वीडियो जो उन्हें नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो तो वह वीडियो आते रहे पुराने वीडियो वो भी आते रहे। तो लिए ससुराल वालों ने लगा रही है कि हम वीडियो बनाओ बंद कर दें उनकी बेइज्जती हो रही। तो भैया हमें बनता दही हो कि काय पे से बेइज्जती हो रही है। चलो ठीक है बाबा तो अब ठीक है हुज्जे अब देख ले अभी। लेकिन जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कि अर्जी लगाई है पहली अर्जी जा लगाई है कि जो ट्रेन हादसा में जो उनके मतलब जो घायल भय हैं आप सबको पता है कि 300 लोगों की मौत हो गई है। आप सबको बतावे की ज़रूरत नहीं है 300 लोगों की मौत हो गई है बता दे रहे और कम से कम 1200-1300 लोग हो गए हैं घायल। तो जो गंभीर चोटें लगी हैं देखो 3 ट्रेन हादसा एक के ऊपर ट्रेन चढ़ी है बोगी के ऊपर बोगी चढ़ी है तो ट्रेन की हालत का भई और जो उनके अंदर यात्री बैठे हुए हैं तो उनकी हालत का भई हुई। और आप और हम या अंदाजो लगा सकते हैं रूह कप जात है कि मतलब अपनी आत्मा कप जात है कि बताओ कैसे वो हादसा भाव और कैसे हादसा होगा और वो मतलब कितने सारे लोगों की जान। और देखो जेनी हम कह रहे हैं कि न्यूज या कछू भी अगर कोई ऐसे भी रहे थे कि जो मतलब गिनती में भी नहीं आते कि जो कि कोई नहीं आ वो मतलब ऐसे भी सफ़र कराते हैं बहुत सारे लोग हैं हमने भी देखे हैं और बहुत से ऐसे रहते कि जिनको कोई भी नहीं रहती और सफ़र कराते तो उनकी तो गिनती नहीं ले जाता। आप सबको भी जाना तो जावा तो जब 1200-1300 सुबह बता रहे हैं तो 2000 जनता कभी घायल ने भाई हुज्जे का कछु लोग ऐसे रहते हैं कछु सरकारी में ले जाते और जो अपने परिजन रहते हैं तो भाई उनके लाने प्राइवेट अस्पताल में लुआ जाते हैं। तो भैया उम्मीद जय कराते हैं जय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी कही है
मतलब बे जो के जो मतलब लोग घायल भए हैं वे ठीक हो जाएं, उनके लाने पहली अर्जी लगाई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम सरकार ने मतलब की। तो अब अपन भी सभी जने दुआ करो भगवान से, मतलब कृपा करो, भगवान की आराधना पूजा भक्ति करो कि वे सभी जने अच्छे हो जाएं। बाल बच्चे भी हैं, जब आप और उन्हें वीडियो देखे होंगे, हमने भी वीडियो देखे थे, वे मतलब एकदम दिल ऐसी मतलब अश्रु वगैरह लगे थे हमने तो जब टीवी में देखी, मतलब न्यूज में देखो हमने, तो जब हमने देखो तो भैया हम तो अपने आप रोने लगे थे, कपन लगे थे, बताओ कि जो कैसे होगा, जितना बड़ा हादसा हो कैसे होगा। और भाई लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर आरोप ऐसे लगा रहे हैं कि जब बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने मतलब दिव्य शक्ति हैं, चमत्कार जाना थे या सभी कछून के पास शक्तियां हैं, तो उनने जो हादसा टालो का है नहीं है। और अब जो बागेश्वर धाम सरकार ने भी बोली है कि देखो मतलब जानवो और हादसा टालवो बहुत बड़ी बात रही थे। देखो जान तो आवास हो जाते शक्तियों के दौरान के आवास हो जाते, जो हादसा हो बार हो लेकिन टाल नहीं सकती है, जो होने यहाँ थे वो हो कह रहे थे। और बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो आप और किलान, हमने एक वीडियो बनाया है आप और हम भी देख लीजिए, जो नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर उस भी कर लीजिए चैनल को, देखो वीडियो की लिंक कैसे नहीं, हम कह रहे हैं वीडियो की लिंक दे दें, हम ऐसा नहीं दे दें, हमारे पास टाइम नहीं देते आप सबको पता है, और हमारी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है कि हम मतलब तो ज़्यादा दिमाग मोबाइल में भी लगा सके। और अबे बहुत ज़्यादा ऐसे तूफान स्वभाव है, पूरे कपे रखे हैं, और आप सबको एक खबर भी दे रही थी, वह खबर कहाँ है वो तो आप और लाना है, तो फिर फुर्सत टाइम में बताएं। बहुत खुशी की बात है हमारे लाने, हमारे परिवार की लाने, और आप और से छुपा नहीं सकता है, बता भी नहीं सकता, लेकिन हमें शर्म आ रही है, तो आप और समझ जाइयो। अगर जो जो समझ गए हो तो भी हमें कमेंट करके बता दियो कि हम समझ गए हैं, नहीं समझे आओ तो कोई बात नहीं है, फिर कहूँगा जब हिम्मत जुटा पे हैं तो हम आप और हम बता दे हैं, लेकिन अगर आप और समझ जाओ तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हम समझ गए हैं कि जावारी बात है। तो ठीक है, मिले हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करा दीजिए, ठीक है, मिले हैं अगली वीडियो में, बोल दें ना हमने तो मिले हैं। तो भैया ऐसे है नहीं है कि अब आज वीडियो बना ला फिर कहो बनाने, हम तो अगर आप और से बातचीत नहीं करें तो हमारा दिन नहीं कटा, तब 4-5 दिन जैसे कटे हैं सो हम ही जान रहे हैं। और आप और को भी अच्छा नहीं लगा तो ये कि आपकी बहन सामने नहीं आ रही है, कहाँ हो गो, कहाँ चली गई, तो चलो ठीक है, आप मिलाते रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप और सपोर्ट करो, तो वीडियो लगातार आते रहें, चलो ठीक है, आज वीडियो तेरह दिन बड़ो हो जिसो अपलोड नहीं हुई है। जय श्री राम।